और उस वक्त एक बड़ी खबर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया है। शुभ्रा मुखर्जी का निधन हुआ है। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया है। की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हुआ है। बीमार चल रही थी वो और इलाज के बाद उनका निधन हो गया है। दो हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थी शुभ्रा मुखर्जी, जिनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम खबर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। दो हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थी। और ये भी बता दें आपको, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपना बीच का एक दौरा छोड़कर भी वापस आए थे अपनी पत्नी का हाल और उनकी तबीयत जानने के लिए। दो हफ्ते से लगातार अस्पताल में भर्ती थी शुभ्रा मुखर्जी, जिनका निधन हो गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। दो हफ्ते से अस्पताल में भर्ती चल रही थी, इलाज उनका चल रहा था काफी लंबे समय से और आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया है। दो हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थी शुभ्रा मुखर्जी। इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। दो हफ्ते से वो अस्पताल में भर्ती थी, लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था, आखिरकार उनका निधन हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया है। शुभ्रा मुखर्जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी, जिनका निधन हो गया है। दो हफ्ते से वो अस्पताल में भर्ती थी। ये भी आपको याद दिला दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपना दौरा छोड़कर अपनी पत्नी का हाल जानने के लिए, तबीयत जानने के लिए वापस लौटे थे दिल्ली। काफी समय से बीमार चल रही थी, दो हफ्ते से वो अस्पताल में भी भर्ती थी और उनका निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। करीब दो हफ्ते से अस्पताल में वो भर्ती थी और काफी लंबे समय से बताया जा रहा है कि वो बीमार थी। इसके बाद उन्हें दो हफ्ते पहले करीब अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था और इसके बाद उनका आज निधन हो गया। तो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। दो हफ्ते से वो अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज चल रहा था, काफी पहले से वो बीमार चल रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आखिरकार शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थी शुभ्रा मुखर्जी, जहां उन्होंने आखिरी सांस ली है। तो शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन हो गया है। दो हफ्तों से वो अस्पताल में भर्ती थी, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती थी शुभ्रा मुखर्जी, जहां उनका इलाज चल रहा था और वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी का निधन हो गया है। शुभ्रा मुखर्जी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी, जिन्होंने आखिरी सांस ली है। दो हफ्ते से वो अस्पताल में भर्ती चल रही थी, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लंबे समय से बीमार चल रही थी शुभ्रा मुखर्जी, जिसके बाद उन्हें आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और दो हफ्ते से वो आर्मी अस्पताल में ही भर्ती थी और उनका हाल जाने, उनकी तबीयत खराब होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद शुभ्रा मुखर्जी का हाल जानने के लिए अपना दौरा छोड़कर राष्ट्रपति वापस लौटे थे।